दोस्तों हाल ही में क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स आयोजित किया गया और वहां पे हम लोगों को पता चला कि कौन कौन से एनिमे ने कौन कौन सा अवार्ड जीता है। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वही बताऊंगा कि कौन कौन से एनिमे डिजर्विंग था मेरे लिए और कौन कौन से एनिमे डिजर्विंग नहीं था। मतलब देखो, बहुत सारे एनिमेज ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और कुछ कुछ एनिमेज ऐसे भी है जिनको सिर्फ ओवरहाइप की वजह से अवार्ड मिल गया। पता चल गया होगा, बोलता हूँ मुद्रो। दोस्तों पहले हम लोग शुरू करते हैं रोमांस जॉनर से कि कौन सा एनिमे ने रोमांस जॉनर में बेस्ट एनिमे जीता। दोस्तों जिस एनिमे ने बेस्ट रोमांस का अवार्ड जीता वो एनिमे का नाम था होरिमिया द मिसिंग पीसेस। अभी देखो, होरिमिया द मिसिंग पीसेस एक ऐसा एनिमे था जो होरिमिया का ही प्रीक्वल था। मतलब उसके अंदर अंदर जो जो मांगा के चैप्टर उन लोगों ने छोड़ दिए थे वो उन लोगों ने इन एपिसोड्स के अंदर कवर किए थे। तो इस एनिमे को बेस्ट रोमांस का अवार्ड मिला, जिससे मैं एग्री करता हूँ। मतलब ठीक है, इट्स अ क्यूट एनिमे, इट्स अ गुड एनिमे, वो डिजर्विंग करता था। इसके बाद आता है बीजीएम का अवार्ड। मैं उन लोगों को मार देता अगर किसी और को बीजीएम देता ना, आई मीन लाइक मैं कुछ कर देता। तो देखो, बीजीएम जिस एनिमे को मिला है वो एनिमे है अटैक ऑन टाइटन्स द फाइनल चैप्टर स्पेशल 1, और फुल्ली डिजर्विंग अवार्ड था ये। उसके बाद आता है बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, जो मिला है पोची द रॉक को। हालांकि मैंने ये एनिमे नहीं देखा है, फिर भी बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना है कि ये एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो शायद ये डिजर्विंग भी होगा। मैं इसके ऊपर जज नहीं कर रहा। उसके बाद आता है बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर, जो मिला है सातोरू गोजो को। अभी यहाँ पे मेरे को थोड़ा डाउट लगा। तो देखो, ये जो अवार्ड्स ये आता है ना, ये वोटिंग के जरिए उन लोग देते हैं और गोजो सातोरू के तो बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर गोजो सातोरू कितना था यार। आई मीन जुजुत्सु कैसन के अंदर वो प्रीमैच्योर डेथ आर्क में था। मतलब गोजो सातोरू कितना था जुजुत्सु कैसन के सीजन 2 में? देखो, प्रीमैच्योर आर्क में था, उसके बाद आया शिबुया आर्क जिसमें वो फर्स्ट एपिसोड में चला गया। तो मेरे को नहीं लगता कि वो बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर डिजर्विंग करता था। हालांकि अगर आप लोग देखो कि कौन सा कैरेक्टर डिजर्विंग करता था, वो था जोरो। वन पीस वानो आर्क में उसने क्या क्या चीज किया, वो जो एपिसोड था जोरो वर्सेस किंग का, उसका डिटर्मिनेशन, वो फुल्ली डिजर्व करता था बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए। उसके बाद आता है बेस्ट वॉइस एक्टर का अवार्ड, जो मिला है गोजो सातोरू के वॉइस एक्टर को, जिसका नाम है युइची नाकामुरा। तो वो भी डिजर्विंग करता था, क्योंकि प्रीमेच्योर आर्क में उसने जो वॉइस दिया, जो गोजो का पागलपन हम लोग को दिखाया गया, वो हम लोग को सुनाई देता था। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इतादोरी यूजी के वॉइस एक्टर को देख लो, वो भी डिजर्व करता था। अगर आप लोग लिवाई का देख लो, वो भी डिजर्व करता था। अगर आप लोग एरन का देख लो, वो भी डिजर्व करता था। यूकी काजी कितना अच्छा वॉइस दिया था। उसके बाद आप लोग नानामी को भी देख लो, वो भी डिजर्विंग करता था। लेकिन फिर भी ये भी मैं मान लेता हूँ, ठीक है, गोजो सातोरू का वॉइस एक्टर डिजर्व करता था। उसके बाद आता है मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर के बारे में, और इसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है। ये अवार्ड जीता है आनिया ने, ये कोई दो राय नहीं है। ये अवार्ड वो डिजर्व करती थी, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए यार। वो ऐसा कैरेक्टर है, वो जैसे जैसे वकू वकू बोलती है, जैसे जैसे वो बात करती है, वो कितना ज़्यादा क्यूट बच्ची है, और वो ये अवार्ड डिजर्व करता था। इसके बाद आता है बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस, और वो मिला है जुजुत्सु कैसन हिडन इन्वेंटरी आर्क को, और शिबुया आर्क को डिजर्व करता है, क्योंकि जुजुत्सु कैसन में जो ओपनिंग सीक्वेंस थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वो जो गाना था स्पेशल गाना, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद आता है बेस्ट न्यू सीरीज को, जो मिला है चेनसो मैन को। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि चेनसो मैन डिजर्व करता था, ठीक है, वो ओवरहाइप था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रमोशन किए गए थे। लेकिन और एक एनिमे निकला था उसी टाइम पे जिसने चेनसो मैन को एक वीक में हरा दिया था, वो एनिमे था द एमिनेंस इन द शैडो। देखो, आप लोग वहाँ पे कैरेक्टर्स को देख लो, आप लोग शैडो को देख लो, उसका जो कूलनेस था, उसका जो नेचर था, वो जो फाइट करता था, वो न्यू सीरीज में वो डिजर्व करता था। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि चेनसो मैन, ठीक है, आप लोग दिए हो उसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एमिनेंस इन द शैडो डिजर्व करता था। उसके बाद आता है बेस्ट मेन कैरेक्टर, और ये मिला है हमारे मंकी डी लूफी, फुल्ली डिजर्विंग। गियर 5 काइडो के साथ फाइट, उसके बाद उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसके बाद जो हाइप था और उसने काइडो को बीट किया, एम्परर बना, तो फुल्ली डिजर्विंग मेन कैरेक्टर फुल्ली। उसके बाद आता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, और वो मिला है सुजुमे को। मैं बोलूंगा कि मैंने बहुत सारे जापानीज मूवीज तो नहीं देखे हैं इस साल, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ठीक है, सुजुमे मेरे को अच्छा लगा, मैंने थिएटर में जाके देखा था, तो ठीक है, वो डिजर्विंग करता था। उसके बाद आता है बेस्ट फैंटेसी एनिमे, और वो मिला है डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क को। तो डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क मेरे को उतना पसंद नहीं आया, एनिमेशन के मामले में भी या स्टोरी पेसिंग के मामले में, क्योंकि इस आर्क में उतना कुछ नहीं था। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इसको सिर्फ वोट के जरिए इसको मिल गया अवार्ड, नहीं तो नहीं मिलता। उसके बाद आता है बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस, और वो मिला है जुजुत्सु काइसेन को।
अटैक ऑन टाइटंस भी था यार, उसका भी एंडिंग सीक्वेंस बहुत ही अच्छा था, आप लोग उसको भी देख सकते हो। लेकिन फिर भी वोट्स के जरिए जुजुत्सु कैसन को बहुत ही ज्यादा वोट्स मिले हैं, तो इसी की वजह से उसको मिला है बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस का अवार्ड। उसके बाद आता है बेस्ट ड्रामा, हैंड्स डाउन अटैक ऑन टाइटंस ने जीत लिया अवार्ड, और कोई और डिजर्विंग ही नहीं करता था इसके बारे में। अटैक ऑन टाइटंस बेस्ट ड्रामा में फुल्ली डिजर्विंग था। और हाँ, और एक एनिमे को मैं बोलूंगा जो था विनलैंड सागा सीजन 2, अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया उसको जाके देखो, वहां पे आप लोग देखना असली ड्रामा, असली कैरेक्टर डेवलपमेंट किसको बोला जाता है। अगर आप लोगों ने ट्विटर में फॉलो किया है तो बहुत सारे फैंस ये बोल रहे हैं कि विनलैंड सागा को बहुत सारे एनिमे है वो डिजर्व करते थे वो, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया। लेकिन मैं मानता हूँ विनलैंड सागा बहुत सारे ऐसे एनिमे अवार्ड्स थे वो डिजर्व करता था, और थॉरफिन का जो कैरेक्टर था वो भी बेस्ट मेन कैरेक्टर को डिजर्व करता था, लेकिन उसको नहीं मिला ज्यादा वोट्स ना मिलने की वजह से। उसके बाद आता है बेस्ट डायरेक्टिंग का अवार्ड, और वो मिला है सोता को मिला है जुजुत्सु काइसेन शिबुया और हिडन इन्वेंटरी आर्क के लिए, जो मैं बोलता हूँ ठीक है। एनिमेशन बहुत ही अच्छा था, एनिमेशन हैंड्स डाउन बहुत अच्छा था। वो सुकुना का दो एपिसोड उन लोगों ने डायरेक्ट किया था वो भी अच्छा था, लेकिन मामा ने पैसे नहीं दिए, वो अलग बात है, बट ठीक है वो डिजर्व करता था। उसके बाद आता है बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज, हैंड्स डाउन वन पीस, कोई मुकाबला नहीं है, वो ही जीतेगा, और वो इसने जीता, वन पीस ने जीता बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज। उसके बाद आता है बेस्ट कॉमेडी, हैंड्स डाउन स्पाई एक्स फैमिली को कोई बीट नहीं कर सकता इसमें। उसके बाद आता है बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, ये भी मैं बोलूंगा जुजुत्सु काइसन डिजर्व करता था, मैं मानता हूँ विनलैंड सागा भी यहाँ पे डिजर्व करता था, अटैक ऑन टाइटंस भी यहाँ पे डिजर्व करता था, उसके बाद ब्लीच भी यहाँ पे डिजर्व करता था, लेकिन फिर भी ज्यादा वोट्स की वजह से जुजुत्सु काइसन को मिल गया बेस्ट सिनेमाटोग्राफी। और इसके बाद आता है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, यहाँ पे भी जुजुत्सु काइसन ने जीत लिया, और मैं बोलूंगा कि ठीक है उसको मिला, उसका एनिमेशन अच्छा था, कैरेक्टर डिजाइन भी बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो उसको ठीक है वो मिलता है, वो डिजर्विंग करता था। उसके बाद आता है बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, और वो मिला है डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क को। मैं मानता हूँ पर्सनली डीमन स्लेयर इस साल कोई भी अवार्ड नहीं डिजर्व करता था, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि वो एनिमे मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा एनिमेशन होता है, सीजन 2 बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो सीजन था उन लोगों ने CGI यूज़ किया, उसके बाद उतना कुछ स्टोरी प्रोग्रेस भी नहीं हुआ, और ज़्यादा उतने बड़े मॉन्स्टर्स भी नहीं थे, हम लोगों को स्टोरी उतना अच्छी तरीके से नहीं दिखाया गया, स्पेसिंग कम था, तो मैं मानता हूँ कि डीमन स्लेयर इस साल कोई भी अवार्ड नहीं जीता था, लेकिन उसको फिर भी मिल गया है बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड। उसके बाद आता है बेस्ट एनिमे सॉन्ग, जो मिला है आइडल को ओशिनो को, तो वो गाना अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो वो डिजर्व करता था। उसके बाद आता है बेस्ट एनिमेशन, यहाँ पे मैं बोलूंगा बेस्ट एनिमेशन का अवार्ड मिला है डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क को, जो अनडिजर्विंग था, एकदम अनडिजर्विंग था, क्योंकि इस साल बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमेशन वाले एनिमे आए हैं। अगर आप लोगों ने बहुत सारे एनिमे देखे तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ हेवनली डिल्यूशनल, उसका एनिमेशन बहुत अच्छा था, जुजुत्सु काइसेन बहुत अच्छा एनिमेशन था, अटैक ऑन टाइटन्स बहुत अच्छा एनिमेशन था, ब्लीच बहुत अच्छा एनिमेशन था, वन पीस कितना अच्छा एनिमेशन था उसका यार, वो सब एनिमेस डिजर्व करते थे इस साल बेस्ट एनिमेशन के लिए, लेकिन उन लोगों ने फिर भी दिया डीमन स्लेयर को ज़्यादा वोट्स की वजह से। इसलिए बोलते हैं कि वोट्स के ऊपर मत जाओ, लोगों के ओपिनियन के ऊपर जाओ कि कौन सा एनिमे असली डिजर्व करता है, हम लोगों से पूछो, हम लोग आप लोगों को बोल देंगे कि कौन सा एनिमे डिजर्व करता था वहाँ पे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने डीमन स्लेयर को दे दिया। उसके बाद आता है बेस्ट एक्शन, हैंड्स डाउन जुजुत्सु काइसन, उसका कोई मुकाबला नहीं है, बेस्ट एक्शन उसका ही था इस साल, वो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद आता है एनिमे ऑफ द ईयर, देखो एनिमे ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो सिर्फ एक्शन के ऊपर नहीं जाता है, वो जाता है स्टोरी बिल्डअप, पेसिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इमोशन, सबके ऊपर जाता है एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड। जुजुत्सु काइसन को मिला ये अवार्ड, मैं मानता हूँ उसका सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी जो एनिमे डिजर्व करता था एनिमे ऑफ द ईयर बनने के लिए, वो एनिमे का नाम है विनलैंड सागा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, सीजन 2 के अंदर बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि मेरे को फार्मलैंड सागा उतना पसंद नहीं आया, बहुत ही बोरिंग था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, फाइट्स नहीं हुए, लेकिन फिर भी इस स्टोरी के अंदर जो हम लोगों को प्रोग्रेशन देखने को मिला है, थॉरफिन का कैरेक्टर सीजन 1 से सीजन 2 तक जितना डेवलप किया है, और सीजन 1 में वो था एक बहुत ही किलिंग मशीन, यहाँ पे वो हो गया असली मर्द, तो इसी के वजह से मैं मानता हूँ कि एनिमे ऑफ द ईयर विनलैंड सागा सीजन 2 को मिलना ही चाहिए था, क्योंकि वो डिजर्व करता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जुजुत्सु काइसन डिजर्व नहीं करता था, वो भी करता था, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने विनलैंड सागा देखा है, जो लोग विनलैंड सागा के फैंस हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करते हो कि आप लोगों का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ओ हाँ, और एक चीज़ बोलना भूल गया, रश्मिका मंदाना जो हमारी इंडिया की नेशनल क्रश है वो भी वहाँ पे गई थी, उन्होंने भी अवार्ड दिया और वो हमारे इंडिया से एनिमे को रिप्रेजेंट करने वहाँ पे गई थी, तो ये भी मैंने आपको बोल दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करते हो कि आप लोगों का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझको मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे कंटेंट के, तब तक ले जय हिंद।